भैया अब आ भी जाओ, टाइम खत्म होने वाला है। अरे आज तो हमारे शहरयार का पहला रोजा है। मैं तो कह रही थी कि रोजा भी ना रखे, इतनी जल्दी भी क्या है, अगले हफ्ते रख लेता। अरे अगले हफ्ते भी तो रखना ही था, तो आज क्यों ना सही। अमजद आप देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा, देख लेना सारा दिन ही सोता रहेगा। अरे बहू बिना वजह परेशान हो रही हो, अरे हमारा शहरयार जवान है जवान, क्यों बेटा गिलास दे। अच्छा अमजद बेटा आज जरा जल्दी आ जाना काम से। मैं भी यही कहने वाली थी, जल्दी आ जाना। जी मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। अबू मैं अपने दोस्तों को बुला लूं। अरे भाई तुम्हारी रोजा खुशाई है, सब दोस्तों को बुलाओ। अम्मी आप इफ्तारी में क्या बनाएंगी? समोसे पकोड़े और रोल, ये तमाम तर चीजें मैं बाहर से लेकर आऊंगा। बाहर से क्यों? तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मामा किचन में खड़ी होंगी, वो भी इतनी गर्मी में, तबीयत भी तो खराब हो सकती है, और ये तमाम तर चीजें आना भी बनती है ना। अरे भाई अमजद टीवी तो ऑन करो भाई। अरे अबू इस वक्त टीवी पे कुछ भी नहीं आता। अरे पर बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन आ रही है। अरे क्या खाक आ रही है अबू, चैनल वाले सिर्फ अपना कारोबार चला रहे बस, इससे माशरा बदलने वाला नहीं है। चलो भाई अगर वो नहीं बदलेंगे हम चैनल बदल देंगे, लाओ रिमोट। कौन सी बात है यार, बड़े सख्त रोजे आए इस बार। ऐसे ही मौसम में तो रोजे का मजा है। अरे तुम भी पता नहीं कैसा सोचते हो, भूख प्यास से जो बुरा हाल है ना, इस पर कहा मैंने। तुम भी ना, तुम इसको ऐसे देखो ना कि अल्लाह ने इस मौसम में रोजे देकर इम्तिहान लिया है, ईमान का ऐसी कंडीशन में तो पता चलता है। अरे ये ईमान कहाँ से आ गया बीच में, मैं तो ऐसे ही कह रहा था गर्मी की हालत देखकर। मैं भी तो ऐसे ही कह रहा था। अभी तुम्हें गर्मी नहीं लगी है, जिस वक्त लग जाएगी ना बारिश की दुआएं करते फिरोगे। ओहो बारिश की दुआ तो मैं अब भी करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि बारिश रहमत बने जहमत नहीं। बारिश जहमत कैसे बन सकती है यार, जरूरत से ज्यादा होगी तो लोगों ने मरना ही है। मरने मराने की बात कहाँ से आ गई बीच में? देखो गुस्सा आ गया ना, सब्र बर्दाश्त, अभी तो पता चलेगा कि किस्में कितना जर्फ है। अच्छा चलो चलो। लाइट को भी अभी जाना था। ये लाइट कब गई है? अभी गई है। ये अल्लाह पूछेगा बिजली वालों को, रोजदारों को जानबूझकर तंग करके अजाब कमाते हैं ये लोग, हद हो गई है। अम्मी रोजा खुलने में कितना टाइम है? अभी टाइम है। फिर भी कितना? पूरे 7 घंटे बाकी हैं। क्या 7 घंटे? रोजा लग रहा है ना तुम्हें, इसीलिए मना किया था सहरी में कि रोजा मत रखो। अरे नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ऐसी ही बात है। चलो जाओ जल्दी से देख कर आओ दादा उठ गए या नहीं। अच्छा मैं अभी देख कर आया। रोजा लग रहा है। क्या आप नहा के बैठे? हाँ बेटा नहाया हुआ तो हूँ लेकिन पसीने में। अम्मी कह रही थी कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? बेटा इस गर्मी में नींद कहाँ आती है, भला इस लोड शेडिंग का है, जब मर्जी हो बिजली बंद कर देते हैं। अच्छा तुम चलो मैं आता हूँ। सही है। क्या ले खैरियत ठीक ठाक? अच्छा ये माल पूरा? हाँ पूरा है। इसका ऑर्डर क्या करना है? नहीं ये भी पूरा है। एक ले यार, मैं तो कहता हूँ एक साथ ही सारा माल उठा लो तो अच्छा रहेगा, मैं भी बार बार चक्कर लगाने से बच जाऊँगा। गर्मी इतनी है ज़्यादा माल उतारूंगा खराब हो जाएगा, अगर तुम्हारे साथ कोई मसला तो बता दो मैं किसी और से ले लूँगा। अरे नहीं मैं तो वैसे अपनी आसानी के लिए बोल रहा था, जैसे आपकी मर्जी।
क्या हो गया भाई जान, तबीयत तो ठीक है? थोड़ा सा गर्मी के सर चकरा गया। गर्मी में ऐसे बाइक घसीटते फिरोगे तो ये हाल होगा। काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप पैदल जाते हुए। चलो आगे पंक्चर वाले हैं, पंचर लगवा देता हूँ आप। अरे नहीं भाई, आप रहने दे यार, मैं कर लूँगा यार। अरे कोई मसला नहीं, इंसान इंसान के काम आता है भाई। आ जाए आ जाए आ जाए। अम्मी पानी नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा पानी, ना बिजली है और ऊपर से मोटर चलाना भी भूल गए, सारे काम ऐसे ही रुके हुए हैं। अरे भाई क्या बातें हो रही है माँ बेटे में। अरे अब्बू कुछ बातें नहीं हो रही हैं, एक तो पानी भी खत्म हो गया, ऊपर से लाइट भी नहीं है, क्या करूँ, सारे काम ऐसे ही रुके हुए हैं। तो अभी आ जाएगा पानी, फिक्र क्यों करती हो? कहाँ से आएगा अब्बू पानी? मैं मजे से भर के ले आऊँगा। अरे नहीं अब्बू, इतनी गर्मी है, आप कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं रहने दें। बेटा मस्जिद करीब ही है, मैं ले आऊंगा पानी। अरे नहीं नहीं अब्बू। अच्छा फिर एक काम कीजिए, आप शहरयार को साथ ले जाएं। नहीं नहीं बेटा, इसका पहला रोजा है, पहले थक गया है, मैं अभी ले आता हूँ पानी। बेटा अब्बू हो सकता है ना लाइट जल्दी आ जाए। तुम जल्दी आने की बात करती हो बेटा, यहाँ वक्त पर लाइट आ जाए वही बड़ी बात है। मैं लाता हूँ पानी, फिक्र नहीं करो। कितनी परेशानी हो गई है, कुछ समझ नहीं आता, क्या करे बंदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर जाओ। अंदर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा रहा। अच्छा यहाँ तो बड़ी बारिश हो रही है ना, चलो अंदर। ना यहाँ पानी है ना यहाँ बिजली है, कुछ नहीं है, बैठे रहो ऐसे ही। बस आप ये सामान तैयार रखिएगा, मैं बस कुछ देर पहले आकर ले जाऊंगा। भाई कुछ देर पहले आ जाना, मैं भूल गया तो। मैं इसलिए तो पहले आया हूँ, उस वक्त तो बड़ा रश होगा, मैं इसलिए तो अभी से आ गया। चलो आ जाना दादा कुछ देर पहले। जी 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 सही, पैसे मगर तैयार उसी वक्त कर देना ताकि सब कुछ गर्मा गर्म हो। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ अमजद भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बेटे आप वहाँ क्या कर रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है ना, चलो अंदर आ जाओ। अम्मी दादा का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा दादा आ जाएंगे, आप तो अंदर आ जाओ। अम्मी दादा आ गए। दादा शहरयार, बड़े साहब, भाभी तबीयत ज्यादा खराब है ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ भाई मैं इन्हें फोन कर रही हूँ मगर ये तो फोन ही नहीं उठा रहे।
दादा दादा उठ गए हैं। दादा दादा क्या हो गया? हेलो हेलो, वो अब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम कहाँ पर हो? क्यों क्यों क्या हुआ? अब्बू मस्जिद से पानी लेने के लिए गए थे और अचानक रास्ते में गिर गए। क्या? मगर कैसे? मैंने नहीं भेजा, अब्बू अब्बू खुद गए थे। अब बताओ ना मैं क्या करूं? अरे मगर किसने भेजा था? किसने कहा था उन्हें पानी लेने के लिए? यार मैंने तो बहुत मना किया था, अब्बू नहीं माने। अब बताओ ना मैं क्या करूं? देखो तुम एम्बुलेंस को कॉल करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें किसी भी करीबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचो। मैं थोड़ा दूर हूँ तो, और मुझे SMS पे बता दो कि तुम लोग कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो। हाँ ठीक है भाई, आपके पास गाड़ी है या फिर एम्बुलेंस को बुलवा लें? मैंने फोन कर दिया, बस एम्बुलेंस आती होगी भाभी। ठीक है, मैं क्या करूँ? इरफान का पता चला आपको? कौन इरफान? अरे असलम भाई का बेटा। ओ हाँ भाई, माशाल्लाह से वो तो बहुत बदल गया है। अच्छा, कैसे मालूम आपको? भाई वो पहली सफ में बजमात नमाज पढ़ता है और जो नुक्कड़ में बैठा रहता था ना टेढ़े मेढ़े लोगों के साथ, वो बैठक भी ख़त्म कर दी है। वाह, और कुछ? बस जिसे अल्लाह चाहे हिदायत दे, बहुत बदल गया है वो। कद्दू बदल गया है वो, खजूर खाते ही सुट्टा मारने चले जाता है। और जो सामने नए किराएदार आए ना, तरावी के टाइम चाचा के जाते ही उनकी छत पर चला जाता है उनकी बच्ची से डेट मारने के लिए। नहीं यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और अगर वो छोटी मोटी तफरियाँ कर भी लेता है तो क्या होता है? दाढ़ी रख ली है माशाल्लाह से उसने। जब काम ही सारे दो नंबरी वाले करने हैं तो दाढ़ी का क्या फ़ायदा? क्यों दीन को बदनाम कर रहा है? यार वो उसका मामला है, फिर शैतान सबके साथ है। अगर वो छोटा मोटा गुनाह कर भी लेता है तो क्या तुम उसे ख़त्म कर दोगे क्या? नहीं, लेकिन वो दिखावा क्यों कर रहा है? जब नहीं संभाल सकता दाढ़ी तो कटवा दे। तुम लोग ना इसमें भी खुश नहीं होगे, कहोगे दाढ़ी को मजाक बना लिया है, कभी रखता है कभी कटवा देता है। तुम तो पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के दुनिया को देख रहे हो, हर चीज़ अच्छी लगती है तुम्हें, कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, कोई चीज़ कुफर नहीं है। भाई मुझे तो एक ही चीज़ कुफर लगती है। वो क्या? मायूसी। बस वो नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, इंसान खता का पुतला है। और तुम जो इतनी बातें कर रहे हो, तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम तो ना घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाना। तुम भी तो दूसरों पर नज़र रखते हो, अपने अमाल देखो, तुमने भी तो कब्र में जाना है। अच्छा चलो, बहुत हो गई बातें, असर की नमाज का वक्त हो रहा है, चल के नमाज पढ़ते हैं। भी लोग यही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत बुरा हाल है। सुबह से 15वां पेशेंट है ये हीट स्ट्रोक का। यार मौसम भी तो इतना गर्म है, ऊपर से पसमानदा इलाकों के लोगों के पास ना पानी है ना बिजली, ऊपर से छोटे छोटे घर हैं, ना कोई वेंटिलेशन है, हब्स हो जाता है पूरे घर में। यार लोग खुद भी एहतियात नहीं करते जब पता है इतनी गर्मी है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है यार। मेरे दोस्त, ठंडे कमरे में बैठ के अफसोस करना बहुत आसान है। जिन्हें मजबूरी में शदीद गर्मी में मेहनत मजदूरी करनी पड़े, उनकी जगह खुद को रख के सोचो ना तो तुम्हें पता चले। लेकिन तुम्हें कैसे एहसास हो सकता है? माना कि मैं AC में बैठा हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मेरा ज़मीर मर गया है। लेकिन यहाँ बैठ के सिर्फ बातें ही कर रहे हो ना, ज़बानी कलामी अफसोस करने से गरीबों का क्या फ़ायदा होगा? यार पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा कैसी तबीयत है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। वो अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? जी इंशाल्लाह। आप ऐसा करें कि ये इंजेक्शन ले आएं। क्या मैं दादा से मिल सकता हूँ? बेटा आज नहीं, कल मिल सकते हो। कल क्यों? बेटा आज नहीं, आज दादा आराम कर रहे हैं। तुम रोज़ा काम करोगे?
कितना टाइम है? 15 मिनट। अच्छा तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ, मैं यहीं खोलूंगा। आप ऐसा करें कि ये इंजेक्शन फौरन ले आए। तुम लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ। सॉरी बेटा, मैं कोई इंतजाम नहीं कर सका। कोई बात नहीं अब्बू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن क्या करें यार, लोग समझते हैं हम बेहिस हो गए हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते सर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। अब क्या करें? अब ये काम तुम करोगे। मुझे सर? नहीं सर, मुझसे नहीं होगा ये। देखो मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन खुद के अंदर वो कैफियत तो पैदा करो। लेकिन सर। लेकिन वकीन कुछ नहीं, तुम जाओ और उसको बताओ। ठीक। आप कहाँ थे? हॉस्पिटल स्टाफ आपका पूछ रहा था। अच्छा, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है? वाले साहब ने लिया। आपके साथ कोई और भी है? नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरी वाइफ है मेरे साथ। दरअसल आज हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी पेशेंट आए थे। दरअसल इसमें होता यह है कि जिस्म से काफ़ी ज़्यादा पानी खारिज हो जाता है, और ऑर्गन्स अगर वैसे ही कमज़ोर हों तो और ज़्यादा नुकसान होता है। जब आपके वालिद साहब को यहाँ लाया गया तो उस वक्त उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें ए, 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 ए,
सुना दिलदा कोई महरम राज मिलला क्या हाल सुना दिलदा कोई महरम राज मिलला मधुर मिट्टी सर पायो मधुर मिट्टी सर पायो सारा पुछन न बेड़े आओ उल्टा आलम खिलदा कोई महरम राज मिलरा क्या सुना खिलदा कोई महरम राज मैं तुम्हें रक्षा करवाया था तुम शहरयार को लेकर घर पहुँच जाओ बाकी इंतजाम करता हूँ कवर का और जिस जिसको हो सके इतला कर लगी हो शहर देख लें कोई गुंजाइश बना ले आप बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे भाई अगर होती तो जरूर मैं कहाँ लेकर जाऊँगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पिछले दो घंटे से हर आने वाले को हम मना कर रहे हैं अगर जगह होती तो जरूर रखते और उस पर लोड शेडिंग भी है मेरे भाई पाँच घंटे की तो बात है सिर्फ पाँच घंटे एक मिनट के लिए भी नहीं रख सकते आप ऐसा करें ना इसे किसी अस्पताल में ले जाएं किस अस्पताल में नाजमाबाद में एक अस्पताल है अगर आप कहें तो मैं आपको पता दे देता हूँ कोशिश करके देख लें मगर मैं वहाँ किसी को नहीं जानता मेरी तो कोई जान पहचान नहीं है मेरे भाई जाकर तो देखो आप अगर आप मुझसे ज़्यादा पैसे लें तो मैं वो देने को तैयार हूँ आप मुझे बता दें मैं दे दूँगा आपको ज़्यादा पैसे पैसों की बात नहीं है मेरे भाई आप अंदर जाकर खुद देख लें बहुत बुरा हाल है मुर्दे पे मुर्दा रखा है मेरे भाई आबार बिनु शरबारी लगी हो शहर कुवारी उम्र गुजार सावरी ना पायम दस मन दिलदा कोई महरम राज मिलरा क्या हाल सुना दिलदा कोई महरम राज मिलरा यार अमजद भाई यार वो पूरा इलाका छान मारा बर्फ कहीं पे भी नहीं मिली यार वो पहले अब्बू की बॉडी को अंदर रख लेते हैं फिर हम दोनों साथ चलते हैं कहीं और देख लेते हैं मिल जाएगी इंशाल्लाह पावे सूल निभावे इहो तौर तेरे बे दिलदा कोई महरम राज मिलरा क्या हाल सुनावा दिलदा कोई महरम राज मिलरा यार आज तो 20 रकातें ख़त्म ही होके नहीं दे रही थी एक तो लाइट नहीं ऊपर से जनरेटर ख़राब मस्जिद का यार कभी सोचा नहीं था कि कराची की रातें इतनी गर्म हो जाएंगी यार अब अंदाज़ा हो रहा है
कि दिन ब दिन हीट स्ट्रोक से मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? यार ये सब अल्लाह का अज़ाब ही तो है गर्मी की सूरत में। ज़रूरी तो नहीं, अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाइश में भी तो डालता है। वो अपने बंदों पर इतना ही बोझ डालता है जितना उसके बंदे सह सकें। रोज़ाना सैकड़ों लोगों का मरना, ये सब अज़ाब ही तो है। इसका दूसरा रुख भी तो देख सकते हो। मतलब? ये रहमत का इशारा है, जितने लोग अपनी जान से गए वो सारे के सारे जन्नत में गए होंगे। शहीद का रुतबा पाया होगा उन्होंने। यार ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अपनी हालत देखिए, कुछ तो खा लो। पानी तुम सबको इतला कर देना, सुबह तकफीन कर देंगे हम। और मैं कोशिश करता हूँ कि फजर तक ही सब हो जाए। कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान जा रहा हूँ मैं, कब्र का बंदोबस्त करने के लिए। और जो कुछ भी होगा मैं तुमसे फ़ोन पर रबते में रहूँगा, और फिर उसके बाद तुम सबको इतला कर देना। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ क्या? नहीं तुम यहीं ठीक हो। अच्छा फिर मैं दादा के पास बैठ जाता हूँ। वो तू मस्जिद चला जा, वहाँ गुस्ल का बंदोबस्त करवा दे। मैं ज़रा कब्रिस्तान जा रहा हूँ ताकि कब्र का बंदोबस्त कर लूँ मैं। ठीक है। आ रहा है भाई। कितना टाइम ले गया? और वो कब्र पूरी कर रहा था। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, इनके लिए बात की थी आपसे कब्र की। वो तो दिखा देना भाई, कम से कम पहले पैसों की तो बात कर लो। अरे यार आपके साथ आया, पैसे भी कर लेंगे। अंदाजन फिर भी कितने पैसे भाई? आपके साथ आया 22,000 रुपए होंगे आखिरी। 22,000? यार ये तो बहुत ज्यादा नहीं है भाई। जगह नहीं है पहले ही, बहुत मुश्किल से कब्र निकालनी पड़ेगी। मगर मैंने पिछले महीने तो यहाँ मेरे दोस्त ने कवर करवाई थी, उस वक्त तो 15,000 रुपये लिए थे। मगर ये तो बहुत, जब इतना रशीद है मेरे भाई। अरे यार कुछ यार चाहिए नहीं चाहिए, टाइम जाने को रहा यार। चाहिए तो मगर आप कुछ तो रियायत करें, कुछ कम करेंगे तो बात बनेगी ना। वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। इससे कम नहीं होंगे भाई। चले मैं आपको कुछ देर में बता देता हूँ। अभी बता दो शायद मिल भी जाए, बाद में इतने में नहीं मिलेगी। मगर क्यों भाई? यार घंटे में 15-15 बजे तैयारी है। चले आसे भाई आपका शुक्रिया, मैं दूसरे कब्रिस्तान में देख लेता हूँ। सॉरी यार, तो समझ सकता हूँ। कुछ तो लिहाज कर लेते, एक तुम्हारे लिए बंदा मैं लाया, ऊपर से जलील करवा दिया तुमने। भाई जो अच्छे पैसे देगा कब्र उसी को देंगे। डंडा किया हुआ ठेकेदार ने पीछे से, 10 कब्रें हैं, 20 मैयत हैं। भाई किस किस को दफनाएंगे? जो अच्छे पैसे देगा उसी को दफनाएंगे। क्या अब हम दादा को ले जाकर दफना देंगे? फिर क्या होगा? दादा अल्लाह से जाकर मिलेंगे। मिल के क्या करेंगे? अल्लाह ताला दादा से सवाल पूछेंगे। कौन से सवाल पूछेंगे? अल्लाह ताला दादा से पूछेंगे कि आपने दुनिया में किसी को परेशान तो नहीं किया। दादा तो ना ही कहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी को भी तंग नहीं किया। फिर अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारा इनाम देंगे और फिर उन्हें जन्नत में भेज देंगे। क्या हम भी जन्नत में जाएंगे? इंशाल्लाह, आपके दादा की तरह हम भी किसी को तकलीफ नहीं देते ना, तो अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में भेज देंगे। यार आज गर्मी थोड़ी बेहतर है। अभी धूप निकलने दो फिर देखना।
क्या हुआ? अरे वो इमाम साहब ने ऐलान किया था जनाजे का, तो जनाजा पढ़ के चलते हैं। हाँ यार, मगर इंतकाल किसका हुआ है? अमजद साहब के वालिद का। कैसे यार, वो तो अच्छे खासे सेहतमंद थे। वही हीट स्ट्रोक। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। टीवी तो ऑन करो भाई। अब इस वक्त टीवी पे कुछ भी नहीं आता। और ये चिट ट्रांसमिशन आ रही है। क्या खाक आ रही है। चैनल वाले सिर्फ अपना कारोबार चला रहे हैं, बस इससे मार्शल बदलने वाला नहीं है। चलो भाई, अगर वो नहीं बदलेंगे हम चैनल बदल देंगे। लाहौर रिमोट। पाकिस्तान ने कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक शदीद एमक्यूएम के कायद का कहना है कि वो लवाईला से बरामद हुए सुबह भर के अस्पतालों में दारुल उलूम से फतवा जारी कर दिया गया है कि आला और सियासी शख्सियात की जानिब से सुबह भर में गर्मी से हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा? मेरे माबूद, आखिर कब तमाशा खत्म होगा? कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है? यह अख्ता तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। नए किरदार आते जा रहे हैं रोशनी, नहीं मालूम अब किस ठप तमाशा खत्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, शहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। दिले नामुतमईन ऐसा भी क्या मायूस होना, जो कल उठी तो सब करतब तमाशा खत्म होगा। चुकल कुठी तो सब कर तब तमाशा खत्म हो। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें हाजत नियामत दी है, हमारे हौसले बुलंद हैं।